छोटा कटोरी भर के मूंग दाल लिया और उसे मैंने भिगो दिया। ये 5-6 घंटे अच्छे से भिगोना है फ्रेंड्स, कड़ा नहीं रहे। पानी फेंक देंगे और मिक्सर जार में इसे एकदम महीन हम पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है मैंने। पानी ज़्यादा नहीं डालना है आपको, ठीक है? जितना झाड़ सके उतना झाड़िए और थोड़ा सा छोड़ सकते हैं इसमें। अब क्या करेंगे, एक लोहे की कढ़ाई लेनी है फ्रेंड्स, इसे गर्म कर लेना है। कोई भी कढ़ाई जो लोहा का लेंगे आप, वो मोटे तले का होना चाहिए, मीन्स इसकी थिकनेस काफ़ी मोटी होनी चाहिए। इससे आपको रोस्ट करने में ईजी पड़ेगा, चिपकेगा नहीं, ईजिली बनेगा हलवा। ओके, कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी, दाल से डबल होना चाहिए फ्रेंड्स घी। हल्का सा घी गर्म हो गया फ्रेंड्स, अब ये दाल का जो पेस्ट है हम इसमें धीरे धीरे डालेंगे, पो करेंगे। और एक हाथ से मिलाते जाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, कलर भी इसका चेंज हो गया और ये कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है दाल, और कलर चेंज हो गया, बिल्कुल लाइट हो गया, चिपक नहीं रहा है बिल्कुल भी। ये हो चुका है दाल, ठीक है? ज़्यादा नहीं सेकना हमें, अदरवाइज चिड़ा हो जाएगा चीला। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है? अब हम इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको याद है मैंने यहाँ पर दूध में थोड़ा सा सैफरन कलर ना सैफरन डाला था, पहले मैं ये डालूँगी, ठीक है? साथ में इसमें थोड़ा सा दूध और डालना है, अराउंड 1/2 ग्लास। मलाई के साथ आप डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से चलाना है जब तक ये दूध अब्सॉर्ब नहीं कर ले दाल। घी आपकी मर्जी है, घी चाहे तो थोड़ा कम भी डाल सकती हैं, बट थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा और अच्छा लगता है, नहीं तो वो ड्राई ड्राई लगेगा। जब हम पैन में इसे सेट करेंगे कोई बर्तन में, तो ये ऊपर में थोड़ा सा लीफ कर देगा ऑयल, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। अब फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम शुगर डालेंगे अंदाजे से, जितना दाल है उससे आधा भी डाल सकते हैं आप, उसके बराबर भी डाल सकते हैं, या उससे जरा सा बराबर से थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। मैंने बराबर डाला है शुगर फ्रेंड्स, एक कटोरी दाल थी तो एक ही कटोरी मैंने शुगर यहाँ पे डाला है। अभी शुगर मेल्ट होगा, उसके बाद मैं इसे 2 मिनट और पकाऊंगी, फिर बस इसे निकाल लूंगी। ज्यादा पकाना नहीं है उसके बाद, अदरवाइज ये हार्ड हो जाएगा। बस ये शुगर मेल्ट होके अब्सॉर्ब हो जाएगा, बस इतना ही। इलायची डाल देंगे और थोड़े से बादाम अभी डालेंगे और थोड़ा सा टॉपिंग के लिए भी रखेंगे। अब फ्रेंड्स इसे हम गार्निश करेंगे थोड़े से बादाम से। इलायची तो हमने डाल दिया, ऊपर में भी चाहे तो डाल सकते हैं थोड़े से बादाम से। एक सिल्वर शीट से एक सिल्वर लीफ निकालूंगी मैं, लगा दूंगी इस पर चांदी का वर्क।
ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ रोज पेटल्स है डाल सकते हैं। इसे चिल करके खाइए, ठंडा करके खाइए, फ्रिज में नहीं रखना है, इसे बाहर ही ठंडा करके खा सकते हैं या फिर गरम गरम खाइए। सो एंजॉय फ्रेंड्स, प्लीज थम्स अप दीजिएगा अगर अच्छा लगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।